नमस्कार, मृदुभाष के स्पेशल सेगमेंट 9 प्राइम शो में आपका स्वागत है। शो में बड़ी खबर पीएम मोदी की लोकप्रियता से जुड़ी हुई है। दूसरी सुर्खी बेहद चिंताजनक है, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुंबई में कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के शिकार हुए 3 बच्चों की आंख निकालना पड़ी है। शो की आखिरी में हम बात करेंगे कि कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद अब किस देश में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कायम है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसर्न के सर्वे में ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग में नरेंद्र मोदी को टॉप पर रखा गया है। उनकी लोकप्रियता को 100 में 66% नंबर मिले हैं। इस सर्वे में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देशों के नेताओं को शामिल किया गया था। हालांकि सर्वे में ये भी बताया गया है कि पिछले एक साल में मोदी की लोकप्रियता में 20% तक गिरावट आई है, फिर भी जून की शुरुआत तक 66% लोग मोदी को पसंद करते रहे। मुंबई से बेहद डराने वाली खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि मुंबई में कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के शिकार हुए 3 बच्चों की आंख निकालना पड़ी है। ये तीनों बच्चे मुंबई के 2 अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट थे। तीनों की उम्र 4, 6 और 14 साल है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 4 और 6 साल के बच्चों में डायबिटीज का कोई भी लक्षण नहीं था। ब्लैक फंगस को लेकर दावा किया जा रहा था कि डायबिटीज के मरीजों में इसका खतरा सबसे ज्यादा रहता है। वैक्सीन लगवा चुके लोग अगर कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं तो उनके हॉस्पिटल में एडमिट होने की संभावना 75% से 80% तक कम हो जाती है। साथ ही उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने की संभावना 8% और आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत 6% तक रह जाती है। वहीं रूरल एरियाज में 18 साल से कम उम्र के लोगों में सीरो पॉजिटिविटी रेट 56% और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में 63% है। इस जानकारी से पता चलता है कि बच्चे कोरोना से संक्रमित होते थे लेकिन इसका असर बहुत हल्का था। तीसरी लहर में भी बच्चों को संक्रमण के कुछ ही मामले सामने आने वाले हैं। अब तक देश के कई शहरों की सीवेज लाइनों में कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अब इसके जरिए तालाब और नदियों के पानी में भी कोरोना वायरस पहुंचने की पुष्टि हुई है। ये चौंकाने वाली जानकारी अहमदाबाद से सामने आई है। यहाँ के जल स्रोत साबरमती नदी, कांकरिया और चंद्रोला तालाब में कोरोना वायरस पाया गया है। पिछले 4 महीनों में तीनों स्रोतों के 16 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 5 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली के मशहूर बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद को गुरुवार रात हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक शराब और नींद की गोलियां खाने के बाद वे बेहोश हो गए थे। उनके बेटे का बयान दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में उनका इलाज जारी है। शुरुआती जांच में पुलिस ने आशंका जताई है कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की है। मामले की जांच चल रही है। मामले में कांता प्रसाद की पत्नी बदामी देवी का कहना है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। नेपाल में जल प्रलय जारी है। उत्तर प्रदेश के सोनोली बॉर्डर से सटे नेपाल के 31 जिलों में हालत बेहद खराब हो चुके हैं। यहाँ पानी और मलबों से हजारों घर पट गए हैं। भूस्खलन के चलते ताश के पत्तों की तरह लोगों के घर बिखर गए हैं। जल प्रलय के चलते अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू के लिए आर्मी और एयरफोर्स की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। यहां गुरुवार को 11,007 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यह पिछले 4 महीनों में एक दिन में आने वाले केसों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 18 फरवरी को 11,994 केस मिले थे। ब्रिटेन में कोरोना के मामले तब बढ़े हैं जब देश को अनलॉक हुए पूरा 1 महीना बीत चुका है। यहाँ 17 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के कारण कोरोना के केस बढ़े हैं। 1 माह में जितने केस मिले हैं उसमें से 90% डेल्टा वेरिएंट की चपेट में आकर संक्रमित हुए हैं। आज के लिए केवल इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक देखते रहिए मृदुभाषी।